सिवा से कांग्रेस के प्रत्याशी छाया वर्मा ने फिर कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि जनता को भूपेश सरकार पर पूरा भरोसा। धरसीवा के कांग्रेस के प्रत्याशी छाया वर्मा जी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। चुनाव प्रचार के दौरान कहा था आपके जो प्रतिद्वंदी अनुज शर्मा के खिलाफ, ये तो राजनीति में नया है, मगर कहीं कहीं थोड़ा सा भारी पड़ता नजर आ रहा है, टक्कर की स्थिति में नजर आ रही है, क्या कहना है? मुझे तो कहीं पर टक्कर वाली स्थिति नजर नहीं आ रही है। अब ये तो चुनाव है, रिजल्ट ही बताएगा क्या है। आप बहुत सारे लोगों से मिली होगी, एक तरफ मोदी की गारंटी है, दूसरी तरफ भूपेश का भरोसा है, लगभग जो वादे हैं वो लगभग सही हैं, आगे पीछे, क्या लग रहा है, भरोसे पे ज्यादा लोग भरोसा दिखा रहे हैं कि गारंटी भरोसा दिखा रहे हैं? देखिए, भरोसे पे भरोसा कर रहे हैं, क्योंकि गारंटी की कोई गारंटी नहीं हो रही है। पिछले समय भी उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे, चाहे रमन सिंह हो, 2 साल का बोनस देंगे बोले थे, जब 15 साल उनकी सरकार थी तब बोनस नहीं दिए, और अभी वो अपने घोषणा पत्र में बोल रहे हैं बोनस देंगे, तो उस पर तो भरोसा पब्लिक नहीं कर रही, कोई मतदाता नहीं कर रहे हैं। मोदी जी ने कहा था 15-15 लाख सबके खाते में आएगा, 2 करोड़ रोजगार देंगे, किसी के खाते में कुछ आया नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पे धरसीवा क्या, मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ के कोई भी मतदाता भरोसा नहीं कर रहे हैं। भूपेश बघेल जी और जितने वरिष्ठ नेता हैं अभी 75 पार की बात बोल रहे हैं, आप धरसीवा से कांग्रेस के प्रत्याशी, आपका क्या आकलन है आपको लेकर और सरकार को लेकर? देखिए, अगर भूपेश बघेल जी बोल रहे हैं 75 पार, तो 75 पार होगा, और क्योंकि मैं तो पूरे विधानसभा में घूमी नहीं हूँ इसलिए मैं नहीं कह सकती, लेकिन धरसीवा विधानसभा मैं जीतूंगी, इसकी मैं गारंटी आपको दे सकती हूँ। तो आपने सुना कि छाया वर्मा जी का कहना है कि भूपेश की का जो भरोसा है वो जनता पर कायम है, मोदी की गारंटी की गारंटी लेने के लिए जनता फिलहाल तैयार नहीं है, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा तरह से जनता का प्यार और भूपेश के भरोसे पर जो जनता भरोसा दिखा रही उसको देखकर ऐसा लगता है कि वो धरसीवा से जीतेंगी। कैमरामैन नजीर खान के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 धरसीवा।